देखिए कक्षा 7वीं का गणित का सवाल दिया है, प्रश्नावली है 14.1 और प्रश्न संख्या आपका 1-1 में यहाँ पे बोल रहा है, नीचे दी गई आकृतियों में जो बिंदु रेखा दर्शाई गई है वह उस आकृति की सममित रेखा है या नहीं, बताइए। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, यहाँ पे इस आकृति में जो भी आकृति दर्शाई गई है, ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि ये जो सममित रेखा काट रहा है इस आकृति को, ये एक दूसरे के बराबर है कि नहीं, यानी कि जो कटा हुआ भाग ये है, ये वाला हिस्सा इस हिस्सा के बराबर है कि नहीं। अगर रहेगा इस ये हिस्सा अगर इसके इस हिस्सा के बराबर रहेगा तो सममित रेखा कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपको आकृति 1 और ये हो गया आकृति 2 और ये हो गया आकृति 3 और ये हो गया आपको आकृति 4, ठीक है, और ये हो गया आपको आकृति 5। तो देखिए यहाँ पे चित्र 1 में आपको दिया गया है, यानी आकृति 1 में यहाँ से सममित रेखा ऐसे इसको काट रहा है इस आकृति को, इधर का भाग जो देख रहे हैं हम, इधर के भाग के ठीक बराबर है, ठीक है, इधर वाला भाग और इधर वाला भाग दोनों एक दूसरे के समान है यानी बराबर है। तो चित्र 1 का हो जाएगा आपको, आकृति 1 का सममित रेखा है, इसका हम लिखेंगे 1 में, यहाँ पे लिख ले रहे हैं, 1 का लिखेंगे यहाँ पे सममित रेखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आकृति 2 में देख रहे हैं, 2 में यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो सममित रेखा यहाँ से खींचा गया है, ठीक है, तो यहाँ पे इस शीर्ष से लेकर इस शीर्ष तक, यानी कि ये दोनों शीर्ष को काट रहा है ये सममित रेखा, ठीक है, तो काटा गया है ऐसे। तो इधर वाला भाग, कटा हुआ भाग को हम अगर देख रहे हैं इस पे, कि ये वाला भाग जो है इस भाग के ठीक बराबर है, ठीक है, ये वाला भाग, कटा हुआ भाग कटे हुए भाग के ठीक बराबर है यानी समान है, तो इसका भी लिख लेंगे 2 का सममित रेखा है। देखिए आकृति 3 में हम देख रहे हैं कि यहाँ से काटा गया है इसको, इस आकृति को, तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये वाला जो भाग है कटा हुआ भाग, इस वाले भाग से कटे हुए भाग से बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका हम लिख लेंगे 3 का सममित नहीं है, इसका हम लिखेंगे सममित रेखा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक दूसरे के कटे हुए भाग के बराबर नहीं है, ठीक है। अब देखिए चित्र 4 में यहाँ पे आपको दिया है, इस आकृति में इसको यहाँ से ऐसे काटा है, ठीक है, तो इधर वाला भाग को हम देख रहे हैं, ये वाला कटे हुए भाग को, इससे ये बड़ा है, ये वाला भाग इससे बड़ा है और ये वाला भाग इससे बड़ा है, इसलिए ये क्या है, सममित नहीं है, सममित रेखा नहीं है। 4 का यहाँ पे लिख लेंगे सममित सममित रेखा नहीं है। अब देखिए आकृति 5 में यहाँ पे आपको दिया है, ये शीर्ष और ये शीर्ष को दोनों को ये काट रहा है, ठीक है, यानी कि एक दूसरे को सममित रेखा खींचकर काटा है, ये शीर्ष को और ये शीर्ष को, तो कटे हुए भाग को हम देख रहे हैं, ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये एक दूसरे के समान है यानी कि बराबर है, तो इसका हम लिख लेंगे 5 का सममित रेखा है, 5 में लिख लेंगे सममित रेखा है।